अच्छा, सारे लोग बात करते हैं कि लड़के होने के क्या पर्क्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि लड़के होने के क्या पर्क्स नहीं है, व्हाट दे एक्चुअली गो थ्रू। जब ये पैदा होते हैं तो लड्डू बट जाते हैं, अरे घर में लड़का हुआ है। उस खुशी के बाद लड़का हो तो गया है, अब बनेगा क्या? IIT क्रैक करेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ बहुत बड़ा करेगा? बेचारे ने बोलना शुरू भी नहीं किया है और सीधा उसका करियर गोल डिसाइड हो चुका है। आर्टिस्ट बनना चाहता हो, क्या पता वो एक्टर बनना चाहता हो, कोई उन्हें रोकता नहीं है। पर हाँ, एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो IIT ऐसा ही कुछ क्रैक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लड़कों में लड़कियों से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनके पापा लोग जब मन किया चप्पल उठा के उन्हें धोबी घाट की तरह पीट डाले। इज ऑल्सो गो थ्रू हरासमेंट। बहुत ऐसी लड़कियां होती है जो उन्हें मोलेस्ट करती है, बिकॉज उनके लिए कोई लॉ नहीं है। उन्हें चार दोस्तों से बोलेंगे तो उल्टा उनके ऊपर हंस दिया जाएगा कि तुझे तो मजे ले लेने चाहिए। मैं शादी.com की प्रोफाइल देख रही थी तो लड़कों के लिए एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो चुकी है। तुमने लाइफ में घंटे से कुछ नहीं उकाड़ा है और तुम अपनी शादी.com की प्रोफाइल पर जाके ये लिखती हो कि मुझे एक लड़का चाहिए जिसका 50 लाख का पैकेज होना चाहिए और वो 24-25 साल का होना चाहिए। हाउ इज दिस पॉसिबल गर्ल, यू आर नॉट इवन डूइंग एनीथिंग। दिमाग में पहले से ही डाला जाता है कि भाई ज्यादा कमा ज्यादा कमा, वरना कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा। देखिए, रो नहीं सकते, अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, दिल टूटने पे किसी को बता नहीं सकते, अपने फादर को जाके हग नहीं कर सकते, अपने फादर को इमोशंस नहीं दिखा सकते। कौन कहता है लड़का होना आसान है।